दिस इज द हाईवे राइट हियर एंड यहाँ पे देखो आई हैव टू रीच दिस लोकेशन विच इज 1 किलोमीटर। तो चलता गया तो भाई मैं इतना स्लो चलता हूँ ना, लिटरली 10 मिनट्स लगेगा। सो इफ आई गो बाई रनिंग देन फिर भी टाइम लगेगा भाई। ओ भाई ये देखो 2 रुपीज भाई, 2 रुपीज। आई एम ग्लैड आई फाउंड दैट मनी। कैसे भाग रहा हूँ मैं कसम। सो दिस इज व्हाई आई नीड BMX ब्रो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अगर नहीं भागा तो भाई टाइम लिमिटेड होता है ना, तो फिर मतलब काम तो करना ही है भाई। मंथली फाइनेंशियल टारगेट तो पूरा करना ही है। मंथली नहीं पूरा किया ना तो ईयरली नहीं होगा, ईयरली नहीं हुआ तो मतलब फिर प्रेशर, ठीक है, डिप्रेशन, यो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ से एकदम से भाग कर मुझे टाइम सेव करना है, वरना मेरा बाप आके यहाँ पे टाइम रोक नहीं देने वाला, ठीक है। सो आई नीड टू वैल्यू एवरीथिंग इक्वली राइट हियर। ओह यह मैन, इसको बोलते हैं कि जो मन में आता है वो करो, बट अच्छा से करो, मेहनत करो। एंड दिख रहा है भाई अभी मतलब मैं गल्फ कंट्री जाकर किसी का काम करता हुआ या मतलब किसी और का एम्प्लॉई होकर काम करता हुआ, तो मतलब इतना मेहनत या इतना जोश नहीं आता, सीरियसली बता रहा हूँ। कर जो भी काम करना है अच्छा काम करो, जो मन में आता है वो करो, मतलब बुरा नहीं, ठीक है, पर मेहनत करो। बॉयज कैन यू प्लीज डायरेक्ट टू नवोदय स्कूल। ओह माय गॉड भाई भागते भागते फट रहा है अभी तो। एंड देयर्स द स्कूल राइट देयर, वहाँ पे बस देख रहे हो। हाँ वही रहा स्कूल। मैं जहाँ से भाग के आया हूँ यहाँ तक 2 किलोमीटर था। गोइंग आउट फ्रॉम हियर। यहाँ पे भी हमारा प्रिंसिपल सर नहीं है तो हम कल आएंगे यहाँ पे। ओ माय गॉड कोई नहीं। एंड यहाँ पे 9 ही तक है, ठीक है, तो हम कल आएंगे यहाँ पे प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए। तो फिर मैं अभी चल रहा हूँ दूसरे लोकेशन पे। और भाई यहाँ से वो भी भाई लिटरली 2 किलोमीटर तक है यार, कितना चलना पड़ रहा है मुझे। ये ना यहाँ पे वाड़ा नंबर 3 है और मुझे फिर वाड़ा नंबर 2 में जाना है। ओह पागल माँ कसम भाई, भागते भागते मर ना जाऊँ। पानी खाना है भाई, पानी खाना है भाई। ओहो पानी खाना है, सुबह से पानी खाना था यार, और फिर खाना भी नहीं खाया आज तो। मतलब वही केला खा के आया हूँ मैं, देखा ना आपने, केला अल्पोआ वही खा के आया हूँ। सब्ज़ी तो बना दिया था बट टाइम नहीं था मेरे पास। ऑफकोर्स इवनिंग पे खाएंगे, इतना भूख तो नहीं है बट आई एम रियली थर्स्टी। एंड यहाँ पे देखो भाई डॉक, व्हाट डॉक इज दिस, शी इज ट्राइंग टू अटैक मी और व्हाट, शी लुक्स लाइक दैट। एनीवे चलो। ओ भाई इस गाड़ी का हाल देखो यार। ओ लास्ट टाइम आंदोलन होते वक्त यही गाड़ी जलाया था क्या यहाँ पे? हाँ ओ भाई पता नहीं, हाँ ये ना बॉस और ये ट्रक मतलब एकदम से टकरा के मतलब खुद आग लगी यहाँ पे, मतलब वही था ये। ओ भाई भाई फिर ये मतलब कैसे तोड़ा? हाँ तो मतलब ठुका ना, अच्छा ठुकने के बाद ये तोड़ा ना। ओ हो डूड चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट। पीछे का हाल तो ठीक ही है बट आगे का भाई एकदम से गंदा सा हो चुका है। एंड ये रहा यहाँ पे गाड़ी वाला कबाड़ भाई, सेकेंड हैंड सब कुछ मिलेगा, बट मुझे भाई साइकिल वाला कबाड़ चाहिए ना, गाड़ी खरीदने के लिए तो इतना पैसा नहीं है। बट एक दिन ना हम घर बनाएंगे, मतलब गाड़ी में घर बनाएंगे, ठीक है। फ्लैग ऑफ नेपाल गाइस, ये देखो फ्लैग ऑफ नेपाल, ओनली फ्लैग इन द वर्ल्ड विद अ डिफरेंट शेप देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम सो टायर्ड, आई स्टार्टेड वॉकिंग ऑन फुट एंड इट्स स्टिल सो फार। ऑन द वे टू पारिजात पब्लिक स्कूल राइट हियर, 100 मीटर्स डिस्टेंस अहेड, ओके।
Oh my god. And I'm feeling too much hungry and thirsty. भाई हंगर से तो मैं मर नहीं जाऊंगा, बट आई नीड सम वाटर लाइक रियली बैड डूड. एंड दिस इज़ द पारिजात राइट हियर. आई एम नॉट विजिटिंग हियर. थोड़ा सा मैं नाम में कन्फ्यूज हो चुका था. जो मैंने कोसी पब्लिक में किया था वो उधर है, यही साइड पे. जूनियर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो मतलब इट डजेंट मेक सेंस डूइंग माई इवेंट ओवर हियर. एंड ऑल्सो एज यू सॉ वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं था, तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो होता है, मतलब कभी कभी ऐसा ही होता है, यू नो. ग्राउंड सरफेस नहीं मिलता है, यू नो. सेकेंडरी लेवल तक नहीं होता है, प्राइमरी लेवल तक ही होता है. प्राइमरी के बच्चे को दिखा कर क्या करे भाई, एटलीस्ट सेकेंडरी तो होना चाहिए ना, टीनेजर्स. तो यहाँ पे मैंने ट्यूब वेल दिखा, भाई मैं मर जाऊँगा यार, थोड़ा पानी तो पीना है मुझे. एंड आई थिंक दिस इज़ द डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट स्कूल. तो थोड़ा पानी खाते और फिर चलते हैं यहाँ से. आई बी यूजिंग ग्लास फ्रॉम हियर भाई. हाँ, हालत नाजुक हो चुका है भाई. दैट वाटर वॉज रियली बैड इन टेस्ट, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर टेस्ट. इतना डिहाइड्रेट हो रहा था, एटलीस्ट आई फील अप माई थर्स्ट. सो यहाँ से फिर से भाई 500 मीटर उधर जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ. माँ कसम, यही होता है डूड, यही होता है. अभी तो मतलब मेरे पास अपना घर है, ठीक है. वरना जब मैं रेंट में बैठता था ना, तो रेंट में बैठने के बाद मेरे पास एक साइकिल होता था. तो साइकिल में मैं बहुत डिस्टेंस कवर कर लेता था. सपोज़ मैं यहाँ पे बैठा हूँ एंड इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो, शिफ्टिंग माई रूम ऑलवेज एंड ऑलवेज. सो आई हैव टू कवर लाइक मैक्सिमम डायरेक्शन व्हिच आई कैन राइड फ्रॉम द बाइसाइकिल, राइट. तो मैं जहाँ पे बैठा होता हूँ वहाँ से भाई 60 किलोमीटर्स जाओ उधर चार ही डायरेक्शन पे, और फिर 60 किलोमीटर्स वापस, वो एरिया कवर करना पड़ता था मुझे. एंड दैट वाज टॉप स्ट्रगल डूड. 80, 90, 120, यू नो, 60 किलोमीटर्स मिनिमम राइड करना पड़ता था एवरी डे भाई, एवरी डे. चाहे इवेंट के लिए हो, चाहे प्रपोजल के लिए हो. अभी के लिए मतलब ये फ़ायदा है कि सपोज़ इफ़ आई हैव टू गो 5 किलोमीटर्स अवे और 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, देन डेफिनेटली मैं अपना घर लेकर जाऊंगा, वहाँ पे कहीं पे पार्क करूँगा और अपना इवेंट का प्रपोजल दूंगा और इवेंट करूँगा और फिर नेक्स्ट प्लेस शिफ्ट होऊंगा. मतलब वो ऐसा ही है. सो फार आई मीन फाइनेंशियल वाइज, टाइम वाइज, दिस इज़ द स्मार्ट डिसीजन. एंड यू नो गाइज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ स्मार्ट मूव. तो हमें बिगिनिंग में, स्टार्टिंग फेज में मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा. एंड आफ्टर एक्सपीरियंस विल लर्न, हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, आई कैन फिगर आउट. तो मतलब सॉल्यूशंस फिर देख लेना चाहिए. तो ऐसे करके वी नीड टू कीप ऑन मूविंग. बाय डायरेक्शन के लिए ना इतना कन्फ्यूजन होता है. देखो एक बंदे का पूछा, उसने यहाँ से ये वो घर बताया वहाँ पे, ठीक है. मतलब वहाँ से इधर लेफ्ट जाना, और फिर वहाँ पे पूछा यहाँ पे बीच पे कतई एक रास्ता है, तो फिर वहाँ से उधर जाओ बोला. तो मतलब यही डिफ़िकल्टीज होता है भाई. मतलब 100 मीटर्स के बजाय मतलब 300-400 मीटर्स एक्स्ट्रा फिर चलता पड़ना चाहिए. अगर मेरे पास BMX होता तो मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाना पड़ता ना. यस, फाइनली 1 घंटा लगा मुझे यहाँ तक आने के लिए. ये देखो, इट्स 2:30 फॉर नाउ. वहाँ पे सर ने फ्राइडे के लिए अपॉइंट किया है. एंड भाई आज तो भाई आई एम लाइक टू मच वेट भाई, दैट्स इट मैन. और प्लान था दो स्कूल में जाऊँ, मतलब यहीं कहीं पे, बट भाई आई एम सो टायर्ड. इतना भी मेहनत करना नहीं है हमको. पहले तो हमको ग्रोसरी शॉपिंग करना है, एंड देन आई गो टू होम एंड आई स्लीप. बाद में हम ब्लॉग एडिट करेंगे. हाँ भाई, हालत पतला हो चुका है यहाँ पे. सो टायर्ड, सुपर वीक, यू नो, वीक बिकॉज आई एम हंग्री. आई कॉन्ट ईट स्टॉप, ओके. इफ़ आई पिक सिटी सफारी फ्रॉम हियर, तो भाई वो 50 रुपया ले लेगा मेरा वहाँ पे, मतलब मेरा घर जहाँ पे है वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो दिस इज़ द चौक साइड, ये मार्केट एरिया है यहाँ पे. एज यू कैन सी राइट हियर दी आइडल, इवन मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था ये. ओह माय गॉड, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ. अब बोलने के लिए भी एनर्जी लेफ्ट नहीं है. एंड मेरे पैर आज छुट्टी मांग रहे हैं. ये बोल रहे हैं कि भाई हमें माफ़ कर दे, छुट्टी दे दे, प्लीज़ छुट्टी कर दे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुझे कैरी करके लेकर जाना, ठीक है. एंड मैं सीटी ले सकता था, नो भाई नहीं लिया. मैं कुछ खरीद के खा सकता था, नहीं खाया. इट इज़ अबाउट, यू नो, डिसिप्लिन मैन. मुझे इतना भूख लग रहा है यार, इतना टायर्ड हूँ भाई. मैं कपड़ा
बाद में उतार देता हूँ, कोई बात नहीं, बट पहले आई ग्रैब माई क्विक फूड। सुबह मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाकर गया था तो कुछ पोहा मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये रहा सब्ज़ी सुबह का खाना। खाना खाए बगैर ही मैं चला गया था बिकॉज आई वॉज इन टोटल रस। देखो यहाँ पे चेहरा दिख रहे हो भाई, चेहरा दिख रहे हो, कितना फक्ट अप लग रहा है लिटरली भाई। हाँ